बोलो सतगुरु देव भगवान की। त्रिकाल के संत समाज की कहा है। बातें कम करो भाई, थोड़ी देर आप थोड़ा सुनने में ध्यान रखोगे तो पधारे हुए महापुरुष कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। और आपका मन अगर इन फिजूल की बातों में लगा हुआ है तो मैं भी क्यों मगज पचाई करा है। सबसे महंगो इलाज खोपड़ा कोई हो से जिन था क्यों बर्बाद करा था कि सुनवा की इच्छा न हो। तो देश को जिनके जीवन में पांच प्रेज होता है उसी जिज्ञासु के हृदय तक महापुरुषों की वाणी पहुंचती है। महात्मा नारायण दास जी लिखते हैं, नारायण हरि भजन में ये पांचों स्वात, विषय भोग निंद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। ये पांच प्रेत जिनके हृदय में है उसी जिज्ञासु के हृदय तक महापुरुषों की वाणी उतरती है, पहुंचती है। और वही प्राणी सुनकर के जीवन को कृतार्थ कर सकता है। वरना तो अपने एक भजन की एक लाइन आती है, तेरा तन सत्संग में बैठा करे मन से रे दुनिया की, तेरा तन सत्संग में बैठा करे मन से रे दुनिया की, बितावे रात गप सप में है क्या सत्संग में आने से, भजन में भाव नहीं जिसका है क्या बाजा बजाने से। अपनो तन तो सत्संग में बैठी हो है, अरियो मन मार्केट में फिर रही हो है। तन सत्संग में मन खेतारा रोजड़ा भगा रही हो है। तन सत्संग में है मन बियाई सगाई बतला रही हो है। तो काई को सत्संग में बैठनो, काई को सुनो है। जहां तन है वही मन हो, और तन में भी मन कहां हो, कान में हो, तब जाकर के इन महापुरुषों की वाणी अपने हृदय तक पहुंचती है। और वही इन वाणी को, इन चर्चा को, विचारों को समझ पाता है। इसलिए आपकी भले ही जितनी श्रद्धा है, घंटा दो घंटा तीन घंटा जहां तक बैठ सको, जहां तक सुन सको, भले आप उतनी देर तक ही सुनो, मगर जहां तक सुने वहां तक तो एक एकाग्र भाव से, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा के साथ में बैठ करके सुनोगे, तभी अपना यहाँ आना बैठना सुनना सार्थक बनेगा। इसलिए कहा है, नहीं तो वर्षों तलक लाखों भले सत्संग तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, मन में रहेगी वासना बंधन ने तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। एक साथ लोन और नमक दोनों की डलिया ने एक साथ जीभ में रख लिया तो आपस में दोनों स्वाद बिगड़ जाता है। नहीं तो मिश्री का आता, नहीं नमक का आता है, दोनों खराब हो जाता है। इसलिए मन की जब तक एक एक तरफा भाव नहीं होगा अपना, जब तक हम सत्संग सुन नहीं पाएंगे। बैठो डटे मारी जा मन। इसलिए कहा, आज से कि सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। अर्जुन जी भजन नहीं गाते, ये सुन वाला कौन है? सुना हाँ। सही बात है, आज सके सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। इंसान कोई मनुष्य बधाई खुशियां कब बांटता है?
जब उनके जीवन में अति से खुशी होती है, हैं? अब संसार में सब प्राणियों की अलग अलग खुशियां है। कोई आदमी गरीब है, धन मिल गया, उनकी वही खुशी है। कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी नौकरी की तैयारी में है, उनको नौकरी मिल गई, उनकी वही जीवन की खुशी है। कोई चुनाव जीतने की तैयारी में है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीत गया, उनके जीवन की वही खुशी है। कोई रंडवा का पीड़ा तो गया तो उनकी वही खुशी है। मगर भगवान के भगत की क्या खुशी है? भगवान के भगत की यही खुशी है कि गुरुदेव के दर्शन हो जाए, महापुरुषों के दर्शन हो जाए, इन महापुरुषों का समागम मिल जाए, इनसे बढ़कर उनके जीवन की दूसरी कोई खुशी नहीं है। इसलिए कहा, आज सखी सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। आजरा दिवस है कैसा देखो, आज जिन आयोजन में बैठे हो आप, जिन महापुरुषों की शरणागति समागम में विराजे हो आप, इन समागम का मूल्यांकन करने के लिए संसार में कोई पद और पदार्थ नहीं है। संतों के एक शब्द की कीमत पूरी सृष्टि का धन भी नहीं हो सकता है। पूरी सृष्टि का धन मिलकर संत के एक शब्द के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कोई कुकर्मी हो, कोई पापी हो, अपराधी हो, पूरी सृष्टि का धन देकर किसी को रिश्वत में या किसी को बदले में एक कुकर्मी को हम नरक जाने से नहीं बचा सकते। पूरी धरती रो धन देर बचा सका था? नहीं बचा सका। मगर इन महापुरुषों के शब्दों में वो ताकत है, एक जन्म का क्या, एक करोड़ जन्म का पापी भी क्यों नहीं हो, किसी प्राणी के हृदय में किसी महापुरुष का एक भी शब्द उतर जाता है तो एक शब्द भी जीवन की दिशा को बदल देता है, मन को संसार से मोड़ देता है। और जब दिशा बदल जाती है तो जिंदगी की दशा अपने आप ही बदल जाती है, क्योंकि जिनकी दिशा खराब है उनकी दशा भी खराब है, और जिनकी दिशा अनुकूल है उनकी दशा भी जीवन में सही है। इसलिए कहा है, आज का दिवस है कैसा, सखी तन मन धन दू जैसा। क्यों? समागम सतगुरु का ऐसा, सदाई हो सदाई हो। आज सखी सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। पर देखो हकीकत तो यह है, आप सत्संग भी खूब करावा, सत्संग भी मोकली सुना, और ये नहीं कि आज आप पहली बार पधारे हो या पहली बार सुन रहे हो, ऐसी सत्संग आपने जीवन में सैकड़ों हजारों बार सुनी है। मगर ये भी सच्चाई है कि आप सुनते भले ही हो मगर करते आप अपने मन की हो, मानते अपने मन की हो। क्यों? संतों के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, संतों के वाणी के प्रति अपने आदर्शता का भाव कितना है। हकीकत में देखा जाए, 2 रुपए की सिंदूर कटे कटे सलाड़ा के कोई रगड़ जिया ना, 2 रुपए की कामी कोई सलाड़ा के कोई रगड़ जिया, जिन बालो जीग बेरू जीग माता जीग कोई देव तो मान, और उनके लिए नाक रगड़बो मंजूर चलते लोग। कोई आदमी दूर जान कहीं को बावना बागे भरोसे, उनके लिए थान चाहे 2 घंटा ते खड़ो रहनी पड़ गया कि बाबू आवलो बार मारा भी कोई दुख दर्द की खैर, 2 घंटा खड़ा रह के इंतजार करना पड़ जाए। मगर ध्यान देना, इन महापुरुषों के शब्दों से जीवन की दिशा बदले, जिंदगी का सुधार हो, जिंदगी के कुकर्म छूटे, जीवन से दुर्व्यसन हटे, प्रभु की शरणागति जाने का मार्ग मिले, ये जीव दुर्गति से बचे और सदगति को प्राप्त हो, उनकी वाणी को सुनने के लिए आपके पास में 1 घंटा शांति से बैठने का की श्रद्धा नहीं है, फिर अब कितना मानते संतों को।
कितना कितनी की श्रद्धा है, कितना का समर्पण है अपना, कितना का आदर्शता और सम्मानता का भाव है अपना। चाहे कोई तो मनोरंजन के लिए बैठता है, कोई ब्याह सगों की मजबूरी से आता है, किसी के सोने बैठने की व्यवस्था नहीं इसलिए बेचारा मजबूर होकर बैठता है, मगर जो सरदार से बैठता है उनके बैठने का भाव और सुनने का रुझान अलग होता है। इसलिए कहा है आपड़ी तो लगन तरीक है आज के समय में लोगों की, गुरुजी चेला के ग्रह किया न, चेलो साथ साथ बार नाग रगड़ रगड़ रगड़ी टोका लगा रहे हो, बार बार खैरियो गुरु महाराज, आज तो मारो कोई किस्मत को पानो ही उगड़ गयो अंधा था, ऐ जाने सोना को सूरज जी उग गयो, सदरूप भगवान ही फदार गया आज तो मारे गरा। गुरु जी ने सोची रे देखा कै बोई सीखियो से, देखा मन भी सिया जोरा का ही जगियो आपन, आज तोली पाड़ दिया अंदर शाम का भोजन प्रसाद कर, गुरु जी सोया चेलो भी सोयो, सुबह रात में 4 बजे अंधेरा अंधेरा में उठिया गुरु जी जो चेला का घर का आ गए, एक पाडो बंदरियो जो चेला का, गुरु जी ऊ पाडा न खोल रात रात में खड़िया न अंधेरा में, गांव के बारे चेला को खेत छो और बड़ी बड़ी सरसों और रीजी खेत में, आए गुरुजी वो पाड़ा ने खेत के बीच में ही बांध गया, भाई न तो यो भूखा मरे लो और न कोई न दी कर लो, दिनों को तीन चेलो उठियो न जो पूरा गांव में वो पाड़ा ने येर तो भरे, जो मिले जानी भूजरे मारो पाड़ो देखे ओगरे कोई नहीं, जो मिले जानी भूजरे मारो पाडो खोई की नजर आयो छोकरे, पूरे दिन में 100 जना ने तो पाडा के लिए पूछ गयो पर एक ने भी यूं न पूछो, भाई मारे गुरु महाराज भी खटी निकलता देखे था के खोई खोई नहीं। शाम का गुरुजी पाडा न खोल रगड़ा ले आया ना, चेलो खरियो जी अंदा था आप खटी निकल गया था, गुरुजी खेरिया रे बाया तारो पाडोर मुंह ला रही खटिया जा रहे, पर एक बात बता रहे तारा पाडा के लिए तो तू 100 जना ने पूछ गयो के कोई न मारो पाडो देखियो करे, एक आदमी ने कोई न मारे लिए भी पूछो करे मारा गुरुजी भी कोई की नजर आया के कहिया तो न पूछो अंधा था, तो कोई बेटी का बाप फिर मशु तो तारो यो पाडो ही छोको रहे, मशु तो तू तारा पाडा नहीं जोरा को मान चले, जो पाडा की तो इतनी टेंशन 100 जना ने पूछ गयो और मारे लिए तो एक नहीं ने पूछो रे, जो ये गुरु भक्ति छो तो तारी या पाडा भक्ति जोरा की है रे। और आज हकीकत लोगों की इतनी की श्रद्धा है दिनों दिन, क्योंकि जैसे जैसे महापुरुषों के प्रति आदर्शता का भाव घटा है वैसे वैसे सत्संग का महत्व घटता जा रहा है। भगवान भागवत में लिखता है कहते मद भक्त से भक्ता, नारद से कह रहे हैं नारद डायरेक्ट मेरे को भजने वाला भक्त तो होता है मगर पूरा भक्त नहीं होता, जो डायरेक्ट मुझे ही भजता है वो भक्त तो होता है मगर पूरा भक्त नहीं होता, अधूरा भक्त होता है। नारद ने कहा प्रभु पूरा भक्त कौन है, भगवान ने उत्तर दिया मद भक्त से भक्ता है नारद, जो मेरे भक्तों को भजता है मेरे संतों को भजता है हकीकत में वही पूरा भक्त होता है, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ, मुझे ना खाने की जरूरत ना पीने की जरूरत ना कपड़े की जरूरत न सुलाने बिठाने की जरूरत ना यहाँ से वहाँ लाने ले जाने की जरूरत, ये सारी व्यवस्था की जरूरत किनको होती है, जो शरीरधारी महापुरुष है। अरे इस सेवा का नाम ही तो भक्ति है, और जिनको हकीकत में जिनके लिए होना चाहिए उनके प्रति तो अपनी श्रद्धा
ना के बराबर है और जा नहीं होना चाहिए। वहाँ के लिए हम है श्रद्धा करके बैठे हुए हैं। इसलिए कहा है भगवान राम ने शिवरी को नवदा भक्ति के उपदेश में कहा, सातवी भक्ति मोय मई जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। हे शिवरी वैसे तो पूरा जगत नहीं तो मारो रूप ही समझिए, मगर भक्ति को जानना है सत्संग को समझना है तो मेरे संतों को तुम मेरे से भी अधिक मान जे। ऐसी श्रद्धा होगी तभी जीवन में भक्ति की पहचान और सत्संग की पहचान होगी। इसलिए कहा है बंदो ये उसी जिज्ञासु का भाव है जो उत्तम गुरु भक्त होता है। आज से की सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। पड़े श्री गुरु चरण अंगना आज मेरा पवित्र भया भवना है। पड़े श्री गुरु चरण अंगना आज मेरा पवित्र भया भवना, क्यों दूर चित सतगुरु से लवना। लव कहते तोड़े से को, दूर चित सतगुरु से लवना, कदाई हो कदाई हो। आज सकी सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। इन महापुरुषों के पधारपण का इतना प्रभाव है, इनके जीवन में तपोबल होता है, प्रभु की भक्ति होती है, जीवन में उच्च कोटि की साधना होती है। बकना राम जी महाराज तो इतना कहते हैं, संत जहां कर संचरे रुचि कर भोजन ले, बकना ताके भवन की नोक रह चौकी दे। जो महापुरुष एक वक्त भी जिनके प्रांगण में सेवा से तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जिंदगी भर के लिए उस परिवार के नोई ग्रह गुलाम हो जाते हैं। ये प्रभाव है इन महापुरुषों के पधारपण का। तो और गणा कर्म ठोक चेला बढ़िया थका भी इसिया देखिया मन है, जो खुआओ तो चेला है, गुरु भक्त है, गुरु मुखी है, मगर जीव जंजाल की जिंदगी है, अंधविश्वास की जिंदगी है, कल्पना की जिंदगी है। आए पूर्ण टेम हो रही हो गुरु महाराज आल तो सुबह नौ बाजियो, सुबह दस हो बाजियो, सुबह बारह हो बाजियो, पूना दस एक, पूना ग्यारह, पूना बारह, या फिर यो बार खराब है, या तिथि खराब है, यो चौगड़ियो खराब है, अरे यो चौगड़ियो आचियो है। मैं कहता हूं कि शुभ का परिणाम शुभ है और अशुभ का परिणाम अशुभ है। चाहे रविवार हो तो भलो और मंगलवार हो तो भलो, मंगलवार के दिन कोई जीव की हत्या करे पाप न लागे, और कोई बार के दिन कोई दान पुण्य करे धर्म को न लागे। अरे संतों के विषय में तो महापुरुषों ने तो कहा, मुद मंगल में संत समाज, जहाँ सत्संग होता है वहाँ कभी अमंगल होता है नहीं, सत्संग का रूप ही मंगलमय है। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो। सभी तिथि शुभ तिथि बार, सभी शुभ वार, भद्रा सोई जानिए जो बिसरे सर्जनहार। कोई तिथि न तो कोई दिन खराब, अन्न कोई तिथि खराब, असी कोई तिथि वार बताओ जी वार के दिन कोई महापुरुष पैदा न हो। अगर कोई खराब होता तो उन दिन को माप उन महापुरुषों को भगवान जन्म क्यों देता। ऐसा कोई तिथि बार बताओ जिन रोज कोई महापुरुष शांत नहीं हुआ हो। अगर कोई दिन अच्छा होता तो फिर महापुरुष उस दिन को ब्रह्मलीन क्यों होते, शांत क्यों होते, कोई मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई दिन है। अरे थे बताओ कोई ना गाड़ियां तो बोले सो पंडिता सो मूर्त निकला खाडे न तो भी कई इनाम आवली गई। सो पंडिता ने मूर्त सो निकला और कोई ना गाड़िया निकाला तो कोई इनाम दे सके सामने वालो। फिर भी पुतेरा आवला न करमटा मत, क्योंकि अशुभ का परिणाम अशुभ है और शुभ का परिणाम अशुभ है। ये पंडितों की पोप है, पेट भराई का साधन है, क्योंकि जिनको तुम ग्रह नक्षत्र कहते हो वो भी सारे के सारे प्राकृतिक है और प्राकृतिक वस्तु का प्रभाव व्यक्तिगत नहीं होता है। अगर प्रभाव होता है जिनको तुम नौ ग्रह कहते हो, चंद्रमा सूरज की भी उसमें गिनती है। चंद्रमा उगता है गर्मी लगे तो एक को नहीं लगती है, पूरे मुल्क को लगती है। उजाला होता तो सब जगह होता है। अरे
सूरज की गर्मी लगे या चंद्रमा की चांदनी मिले, सब जगह होती, व्यक्तिगत नहीं होती है। इसलिए ग्रह वगैरह ये जो है ना, ये चेड़े चमेड़े, ये केवल व्यक्तिगत नहीं होता है। अरे सबकी तिथि शुभ तिथि, बार सभी शुभ वार, भद्रा सोई जानिए जो विसरे सर्जनहार। महात्मा कबीर ने तो कहा, सतगुरु राके शीश पर चाले आज्ञा माई, कहे कबीर उन दास को तीन लोक भय नाई। जो महापुरुषों की वाणी शीश पर यानी बुद्धि पर रखता है, हमेशा चिंतन करता है, अनुसरण करता है, हृदय में रखता है, उनके लिए संसार में भय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। भय तो अज्ञानियों के लिए होता है, ज्ञानियों के लिए, गुरु भक्तों के लिए कोई भय होता ही नहीं है। इसलिए कहा, नंगाड़े बज रहे पुर में, पुर कहते गांव को, नगर को, नंगाड़े बज रहे पुर में, हे मंगलाचार एक सुर में, बनी सब जन की सतगुरु में, फिदाई हो फिदाई हो। आज सखी सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। मिले गुरु भारती चेतन, आए मोए भेंट भी क्या बन, भारती पूर्ण कहे जीवन, अदाई हो अदाई हो। आज सखी सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।